हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ कोमल सिंह एंड आज आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से अपना ये लुक क्रिएट किया हुआ है। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने फेस पर क्या अप्लाई करती हूँ या किस चीज़ का प्रोडक्ट यूज़ करके मैं किस तरीके से रेडी होती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। तो आइए चलिए देखते हैं कि मैं किस तरीके से मेकअप करती हूँ। तो हम मेकअप से पहले यूज़ करेंगे ये पिटमी का प्राइमर। इसके बाद सेकेंड यूज करेंगे हम कंसीलर ग्लैम 21 का। तो इसे हम ब्रश के मदद से लगाएंगे। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे फेस पे जहाँ जहाँ ये ब्लैकनेस होती है, तो इसे हमें लगाने के दबाने के लिए हमें ये ऑरेंज कलर का यूज करना पड़ता है कंसीलर। तो हम ये ब्रश की हेल्प से अपने आँख के नीचे लगाएंगे। और इसे लगाने के बाद हमें ब्लाइंडर की मदद से इसके बाद हम कंटूर इसे भी ब्रश की मदद से लेंगे। तो इसे हम यहाँ पे इसे भी ब्लाइंडर से इसके बाद ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर लेंगे। इसे हम अपने आई के और ब्लेंडर की मदद से रब करके पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। तरीके से ये हमारे फेस पे अप्लाई हो चुका है। इसके बाद हम यूज करेंगे आई कंसीलर छोटा वाला ब्लाइंडर। और फिर इसे हम इसके बाद हम लोग अपने फेस पे अप्लाई करेंगे ये मिस रोज का नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फाउंडेशन है। आप लोग जिस मतलब फेस के अकॉर्डिंग भी आप लोग फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। मैं तो ये मिस रोज का यूज़ करती हूँ एंड दूसरा है कि ये MN का, ये भी मैं लिक्विड फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग है, इसे भी यूज़ करती हूँ। तो मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। इसे भी हमने अपने फेस पर इस तरीके से इंग्लिश की मदद से लगा लिया है।
अपने ब्रश की मदद से पूरा अपने फेस पर अप्लाई कर लेंगे। और इसके बाद हम ब्लेंडर की मदद से पूरा सेट कर लेंगे। इसके बाद हम यूज करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर। ये मेरे पास व्हाइटनिंग बेबी पाउडर है ब्राउन का, इसको इसलिए बाद हम यूज करेंगे लिप लाइनर। तो हम अपने फेस पर ब्लशर यूज कर रहे हैं। ब्लशर के बाद हम अपने फेस पर आई बेस बनाएंगे। उसके लिए मैंने न्यूड का, हम जिस कलर का अपना ड्रेस पहन रहे उसी कलर के अकॉर्डिंग में मैं मेकअप करूँगी अपना। तो सबसे पहले मैंने पिंक का शेड लिया हुआ है, पिंक का, ये ब्राउन का, लाइट ब्राउन का शेड लिया हुआ है। बाद हम लेंगे लाइट ब्राउन के बाद, ये लाइट ब्राउन के बाद लेंगे डार्क ब्राउन। इससे हमें क्या आई का कॉर्नर से बहुत ही अच्छे तरीके से सब ब्लेंड कर देना है। इसके बाद हम लेंगे मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग लाइट रानी कलर का है। इसके बाद हम ये रानी कलर का लेने के बाद अपना आई बेस बनाएंगे कॉर्नर से। दोनों ही आईज पे
हैं, बना लिए हैं। और इसके बाद हम ये हिलारिया का पैलेट लेंगे ग्लिटर का, तो इसे हमें अपने उंगली की ही मदद से हम ये गोल्डन शेड लेंगे थोड़ा सा, इसे अपने आई बॉल पर मैचअप कर देंगे। और इसके बाद हम जो पहले वाला अपना आई शेड पैलेट यूज़ किया था तो उसको हम रानी कलर का जो है वो और ये ब्राउन कलर दोनों को ही लेकर वापस से आई कॉर्नर पर अप्लाई करेंगे। जो हमने बेस बनाया हुआ था वो हमारा मैच हो जाए। ये लेंगे ग्लैम का 21 का एब्रो पैलेट, इसमें छोटा सा हमें ब्रश मिल जाता है। और एग्रो पैलेट के बाद हम यूज़ करेंगे ये ग्लाइम का जेल आईलाइनर, अंतिवान का है। तो मेरा लुक फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद तो मैं यहाँ फाइनली तैयार हो चुकी हूँ, तो मैं ये करीबी डाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ हो चुकी हूँ रेडी। अगर मेरा मेकअप आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर पहले आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।